सो वो इज द मीनिंग ऑफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन कब यूज़ करते हैं सो इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि अप डाउन कब यूज़ करें एबव एंड बिलो एंड ओवर एंड अंडर कब यूज़ करें सो अप डाउन कब यूज़ करते हैं जब किसी से ऊपर या किसी से नीचे होता है तो किसी से ऊपर एंड किसी के नीचे अप डाउन यूज़ करते हैं एवन एंड बिलो किसी चीज़ के ऊपर एवव और किसी चीज़ के नीचे बिलो देन ओवर एंड अंडर किसी के ऊपर लेकिन आप ऊपर टच कर रहे हो या किसी के नीचे लेकिन नीचे वाले सरफेस को टच कर रहे हो तो हम यूज़ करते हैं ओवर एंड अंडर तो उसको देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अप एंड डाउन एट अ हायर लेवल और लोअर लेवल किसी से ऊपर या किसी से नीचे फॉर एग्जाम्पल शी क्लाइम्ड अप द ट्री वेन शी द पुलिस शी केम डाउन द ट्री वेन द पुलिस वेंट तो ऊपर चढ़ गई जब पुलिस को देखा और जब पुलिस चली गई वो नीचे आ गई तो डाउन द ट्री अप द ट्री टू अ हायर एंड लोअर लेवल के ना अप डाउन यूज़ करते हैं तो so, किसी से अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो एव एंड बिलो यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल इज मंथली इनकम इज एव टेन के किसी आप लेवल दिखा रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से ऊपर या किसी पर्टिकुलर चीज से नीचे तो हम एवोम एंड बिलो यूज़ करते फॉर एग्जाम्पल इज मंथली इनकम इज़ बिलो टेन के फॉर एग्जाम्पल इज एक्सपेंसिस आर एवो देन एक्सपेक्टेड द वर्क इज़ बिलो मई डिग्निटी तो किसी से अगर किसी समथिंग से ऊपर अगर ऊपर और नीचे करना है तो अप डाउन कर लो लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज से ऊपर या नीचे तो उससे बोलेंगे हम एवोम एन बिलो तो यहाँ पे ओवर एंड अंडर तो क्या आप किसी चीज़ से किसी से ऊपर जो तो सेम हो गया पहले की तरह जैसे हमने देखा था एवोवेन बिलो किसी से ऊपर लेकिन यहाँ पर क्या है आप किसी से ऊपर और उसके सरफेस को भी टच कर रहे हो तो हम ओवर एंड अंडर यूज़ करेंगे नहीं तो एवोवन बिलो यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लीज प्लीज़ पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी क्योंकि बेबी को ब्लैंकेट कहीं ना कहीं बेबी अगर ऐसा लेटा उसे टच कर रहा होगा बे ब्लैंकेट तो प्लीज़ पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री तो जब पेड़ के नीचे बैठी है तो वो जमीन को टच कर रही होगी ग्राउंड को तो वो सरफेस को टच करे या ऊपर या नीचे तो हम ओवर एंड अंडर यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल कुड यू स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल जब टेबल के ऊपर आप क्लोथ बिछाओगे तो वो टेबल को टच करेगा दिस इज द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल तो अंडर द टेबल अगर कैट बैठी है तो वो सरफेस को टच कर रही होगी तो हम हाँ ओवर एंड अंडर तब यूज़ करते हैं किसी के ऊपर या किसी की चीज़ से नीचे दिखाना बट द सर्फेस टच है एंड ओवर एंड अंडर एक और जगह यूज़ होता है जब आप मोशन दिखाना फॉर एग्जाम्पल यू आर अंडर सी सी टी वी सर्विलियंस तो सर्विलांस के अंडर है तो यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली मोशन में आपको ये yes, सर्विलांस किया जा रहा है तो प्लेस फ्यू ओवर द क्लाउड तो क्लाउड के ऊपर मोशन में है प्लेन एवोव द क्लाउड नहीं बोलते ओवर द क्लाउड बोलते हैं क्योंकि मोशन में है कोई चीज़ तो मोशन के लिए ओवर एंड अंडर यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल बेबी आर अंडर कॉन्स्टेंट सुपरविजन शी ड्रोव द हर कॉल ओवर द हिल तो मोशन अगर दिखा रहे हैं तो हम ओवर एंड अंडर यूज़ करते हैं मोशन के लिए